फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो फीचर्स कमांड हम फीचर सेक्शन में चल रहे थे, सॉलिड वर्क के फीचर सेक्शन चल रहा था। तो फीचर सेक्शन में अभी तक हमने काफ़ी स्वेप्ट बॉस, रिवॉल्व्ड एक्सट्रूड बॉस, कट एक्सट्रूड कट, होल विजार्ड, रिवॉल्व कट, स्वेप्ट लॉफ्ट कट, बाउंड्री कट, फिलेट, लीनियर पैटर्न, रिब ड्राफ्ट, इतना कमांड हम आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप सीख गए होगी इतना कमांड अभी तक अगर आपने कंटिन्यूस पूरा वीडियोज देखे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको शेल कैसे करने का ये बताऊंगा। ओके, तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और मेरी वेबसाइट भी है, तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मैं दे दूंगा। वेबसाइट है जहाँ पर आपको नोट्स, जो स्टूडेंट्स कर रहे थे डिमांड की नोट्स पेडेबल हैं, अफोर्ड नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, तो वहाँ पे वेबसाइट पे विजिट करना, वहाँ पे नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं। ओके, तो मैं ये न्यूज़ देना था, नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं मेरे वेबसाइट में, तो प्लीज़ वेबसाइट को विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें शेल कमांड सीखना है। शेल कमांड के लिए हम कैसे सीखें, फॉर एग्ज़ाम्पल शेल के लिए मैं बनाता हूँ, ओके, टॉप प्लेन लेता हूँ। इस टॉप प्लेन पे मैं ड्रॉ करूँगा एक ऐसा कुछ, ओके, और इसे कर देते हैं एक्सट्रूड। मैं एक ही बार में चाहूँ तो बता दूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, बट मुझे थोड़ा कुछ बना के बताना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ फिलेट। ठीक है, इसी बहाने आप फिलेट भी सीख जाओगे। ठीक है, ये पूरा, अरे यार, ये पूरा फेस, ये पूरा फेस, ये पूरा फेस, ये पूरा फेस, बचा क्या, ये फेस और ये फेस। ठीक है, ये हुआ फिलेट करना है, 10 का हो जाएगा, वो तो जाना चाहिए, ओके, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, फिलेट दे दिए हम 10 का, और फिलेट को थोड़ा एडिट करते हैं, थोड़ा और फिलेट देते हैं, अच्छा दिखेगा, इसको कर देते हैं 20। ठीक है, अब ये कुछ बॉक्स टाइप का लगभग हो जाएगा, टेंजेंसी तो ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कुछ, इस फेस पे मैं करूँगा स्केच, देखते हैं ना, मैं एक्चुअली बना के आ रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सेंटर, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, बट मैं इस आपको ये बना के इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपको सेल कमांड एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये बनाया मैं, अब मुझे बनाना क्या है, ओके, ठीक है, हाँ, ओके, ये रेडी हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये अंदर से पूरा खोखला हो, ठीक है, अंदर से शेल हो, यहाँ से लेके अंदर तक इसमें हम वाटर डालें तो इसमें फिल हो। ठीक है, तो शेल बनाना है, तो शेल पे क्लिक करना है। ठीक है, सेल का फेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, फेस सेलेक्ट किए, दान कितना एमएम का, ये 10 कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 10 उतना होगा ही नहीं, 5 का। ठीक है, ओके, ये देखिए, अब आप देखोगे ये शेल हो गया। ठीक है, बट आपका ये अंदर पूरा शेल नहीं हुआ, इसके लिए हम सेल में एडिट करते हैं। ठीक है, देखो अंदर से भी हो गया, ध्यान दोगे तो आप देखोगे अंदर से भी ये सेल हो गया। ये देखो अंदर वाला नीचे वाले पार्ट का लाइन दिख रहा है, तो ये टोटल सेल हो गया। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देख लें, हुआ है कि नहीं हुआ सेल, ये देखें, हो गया अंदर से। अब चाहो तो इसे पीछे आगे, ये देखिए हो गया सेल। ठीक है, तो ऐसे हम सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे सेल का यूज़ करते हैं, और नहीं सिर्फ समझ में आया तो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। सेल को करता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के बाद देखो मैंने कोई बॉक्स बना लिया, कुछ भी बना, मैं चाहता हूँ ये अंदर से हॉलो हो,
तुमने शेल कमांड लिया एक से लिए, अब देखो शेल आउटवर्ड सो प्रीव्यू, ठीक है देखना आपको कैसा दिखेगा। तो ये एक्चुअली देखो एक ही बार सेलेक्ट होने पे पूरा ये हो रहा है, क्योंकि ये फेस सेलेक्ट किया, अब इसके अकॉर्डिंग जो पूरा है पूरा हो जाएगा। ठीक है ये 5 है, तो इसे अगर मैं 3 कर दूँ, ठीक है अब देखो, ठीक है अब ये शेल हुआ है कि नहीं यहाँ से तो दिख रहा है, अब इसे मैं करूँगा क्रॉस सेक्शन इसका, ये देखो होल दिख रहा है। तो सिंपल ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है मल्टीपल सेल की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट नॉर्मल सेल से हमारा काम हो जा रहा है। अब देखोगे हर तरफ से ये होल है, ठीक है तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि सेल कमांड का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।